मेरा और अनंता का विवाह हो चुका है। हाँ, किस अशुभ घड़ी में हुआ विवाह? ये तो मैं सोचकर नहीं आया हूँ। गोविंद, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हमारा विवाह पूर्णमासी के दिन माँ के मंदिर में हुआ था? हाँ हाँ हाँ, यही मैं कहने वाला था। पिताजी, ये कौन है और इसने ऐसी बातें शुरू कर दी? और भारत सूर्य ढलने वाला है। तुम कौन हो ये बाद में बताना, पहले ये बताओ तुम चाहते क्या हो? समय कम है। सुनो, अनंता का विवाह मेरे साथ हो चुका है। अब उसे बुरी नजर से मत देखना, बता रहा हूँ। सूर्य ढलने के बाद तो बुरी नजर क्या, किसी भी नजर से नहीं देख पाऊंगा। बस, हम गुस्से में हैं परंतु हम इस स्थिति में अपना संतुलन नहीं खो सकते। हम तो ये सोच रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है। कैसे? मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। सर्वप्रथम हम मंदिर गए, फिर मैंने उसे हार पहनाया। पिताजी, फिर उसने मुझे हार पहनाया। अम्मा जी, फिर हमने फेरे लिए और उसके बाद। चुप, मूर्ख। कैसे से हमारा तात्पर्य है, कैसे ये विवाह नहीं हो सकता? इसे तो मैंने अपने हाथों से बांधा था। हाँ, और इसे हमने हाथों से खोल दिया। कृष्ण, पिताजी ये अनंता क्या बोल रही कि ये बेचारी क्या बोलेगी? ये तो सदमे में है ना। वो क्या है कि ये आदमी विक्षिप्त है, विक्षिप्त। आपने मेरे भाई को विक्षिप्त कहा? हाँ, विक्षिप्त कहा। यदि विक्षिप्त नहीं है ना तो दोषी बनकर काल कोठरी में जाएगा। चुप करो, अभी मैं बताता हूँ तुम्हें। ज्ञानेश्वर राव जी, वो क्या है कि एक तार टूट गया था, इसलिए दिमाग के दौरे पड़ते रहते हैं। जहाँ कहीं विवाह की बात चल रही होती है ना, वहाँ ये मनुष्य पहुँच जाता है और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगता है कि इसका विवाह उस कन्या से हो चुका है और लड़के वालों को भगा देता है। जीजा जी, ये सब तो योजना में नहीं था। तेरी में नहीं था, मेरी में था। आगे की योजना भी बताता हूँ। कोतवाल जी को सूचित करके आया हूँ, सैनिक लेकर आते ही होंगे, फिर मनाना विवाह काल कोठरी में। नहीं, नहीं। ये देखो, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा कर सकता हूँ और बहुत कुछ कर सकता हूँ। बहुत हो गया, अब तुम तीनों यहाँ से निकलो इसी समय, अभी के अभी निकलो। चलो निकलो। पंडित रामकृष्ण, आज आप हमारी नजरों में सच्चे पंडित हो गए हो, क्योंकि आज आपके कारण हमारी बहन के सम्मान और प्रतिष्ठा की रक्षा हुई है। गुरु बहन, मैं तो स्वयं की रक्षा कर रहा था। यदि इन सब में आपका भी भला हो गया हो तो हो गया हो। वैसे ये है, अब बैठिए बैठिए। ये ननेश्वर है, तालुकदार कोटेश्वर राव जी के सुपुत्र। गुरुवर, मेरी मंगल कामना है कि जितना प्रेम आप अपनी बहन से करते हैं उससे दुगनी खुशी उसे मिले। क्षमा कीजिएगा, वो कहते हैं ना कि किसी भी शुभ कार्य में कोई ना कोई विघ्न तो अवश्य पड़ता ही है। कोई बात नहीं राजगुरु जी, छोटा मोटा विघ्न तो शुभ ही माना जाता है। तुम्हें लड़की पसंद है ना? पुत्र, देखो हम कह रहे हैं। सुनने से काम नहीं चल पाएगा। पुत्र, हम कह रहे हैं कि तुम और अनंता एक दूसरे को देख लो, समझ लो, जान लो। मैं आपकी बहन को सूरज की उज्जवल किरणों में ही देख पाऊंगा। पुत्र, थोड़ा सोचो, विवाह का ऐसा सुनहरा अवसर तुम्हें फिर कभी नहीं मिलेगा। वैसे भी सूरज ढलने से पहले तो तुम्हें देख लिया था ना तुमने, फिर थोड़ी बहुत प्रशंसा ही तो करनी है, कर दो।
हाँ क्यों नहीं भाई, इतनी सुंदर लड़की को कौन गधा मना, मेरा आशा है कि कौन लड़का मना कर सकता है। गुणों की गुणी, रूप की धनी, संस्कारों की माला, हमने जीवन में इनकी इतनी प्रशंसा नहीं की जितनी तुमने एक दिन में कर दी। ये वरुण माला है हमारी धर्म पत्नी। इस और देखिए, आपकी होने वाली पत्नी इधर है। इसने फिर से सब कुछ गुरु माता को देखकर कहा। ए पुत्र बहुत ही नटखट हो गया है। आप मुझे इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि बस आप ही हैं। गुणों की गुणी, रूप की धनी, संस्कारों की माला दिख रही हो। बड़ा प्यारा है आपका बच्चा। मैं आपको अपना जीवन साथी बनाने को तैयार हूं। आपको अर्धांगिनी बनाना ही मेरा सौभाग्य होगा। आपके सुनहरे बालों पे मांग सजाना ही मेरा कर्तव्य है। राजगुरु जी, आपने ताली कैसे बजाई? गुरुवर ने तो अपने हाथों से ताली बजाई, किंतु आप ये बताएं कि आपके पुत्र ने अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से फिर एक बार गलत निशाना कैसे लगाया? अरे पंडित रामकृष्ण जी, मेरा पुत्र अनंता से ही कह रहा है, लेकिन वो देख राजगुरु को रहा है, वो क्या है ना कि उससे लज्जा आ रही है, घरेलू प्रवृत्ति का है ना, इसलिए। अब वैसे तो लज्जा स्त्री का गहना होता है, परंतु पुरुष को लज्जा आना भी संस्कार ही होता है। हाय, हमें ये रिश्ता स्वीकार है। अब हमारा आशय है अनंता के लिए। आपने ये रिश्ता स्वीकार करके आपने हमारा मान बढ़ा दिया है। हम आपको वचन देते हैं कि हम आपकी बहन को अपने धन के बल पर रानी की भांति रखेंगे और कोई भी कठिनाई नहीं आने देंगे। रामा, मुझे ये नैनेश्वर किसी पहेली से कम नहीं लग रहा। हाँ बंधु, कोई रहस्य तो अवश्य है जो सुनकर भी समझ में नहीं आ रहा और जिसे देखकर भी पहचाना नहीं जा रहा। जिस रहस्य को गुरुवर ने अपने लालच की चादर से ढक दिया है। आप भी देखिएगा कोटेश्वर जी, हम अपने घर को ऐसा सजाएंगे कि आप निर्णय नहीं कर पाएंगे कि दुल्हन का श्रृंगार अधिक सुंदर है या हमारे घर की सजावट। अच्छा, तो अब हमें आज्ञा दीजिए, अब हम चलते हैं। चलो पुत्र, आजा, ध्यान से आजा। गुरुवर, विवाह से पूर्व हमें उस ज्ञानेश्वर और अनंता की एक भेंट करानी चाहिए। भ्राताश्री, जिससे आप हमारे भाग्य की रेखाएं जोड़ना चाहते हैं, उससे केवल एक बार हमें अकेले में मिलने दीजिए। परंतु अब इसकी क्या आवश्यकता है? पता नहीं क्यों गुरुवर, मुझे संदेह हो रहा है। मत भूलो गरुड़, हमारे सभी संदेह आप ही पर आकर रुकते हैं। गुरुवर, मैं आपको इस रिश्ते के लिए ना करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं बस आपको इस भेंट के लिए हाँ करने को कह रहा हूँ। इस भेंट के बाद आपको स्वयं ज्ञात हो जाएगा कि ये भेंट इतनी आवश्यक क्यों थी। अनंता, कल तुम मुझसे बाजार में मिलोगी, अभी बस इतना ही कहना चाहूंगा। प्रणाम नाथराज। प्रणाम गरुड़।
लेना है, पर विकल्प हम तुझे दो दे रहे हैं। अभी मार खाएगा या खाना खाने के बाद मार खाएगा? ऐसा हम नहीं, अम्मा पूछ रही है। मुझे पता है तुम लोग बहुत क्रोधित हो, लग भी रहे हो, किंतु ऐसा करना आवश्यक था अम्मा। मुझे मारने से पूर्व पहले एक नजर उस पे मार लो जो कल होने वाला है। कल ना अनंता उस लड़के से मिलने वाली है बाजार में, किंतु अकेली नहीं मिलेगी, मैं और गुरुवर भी जाएंगे, और उस लड़के का जो सच अभी तक सामने नहीं आया है वो हमारे सामने आ जाएगा। और फिर यदि कल तक तुम लोगों को लगे कि मेरी गलती है तो मैं तो यही रहता हूँ, चुपचाप आकर मुझे बिना बताए मुझे पीट लेना। हाँ अभी जाने दो। मैं कहता हूँ इसलिए नहीं कि लामा अम्मा का पुतले, इसलिए भी नहीं कि शालदा का पति है, अभी तो इसलिए कि लामा मिला मिथले और हमें उसे एक अवसर देना ही चाहिए। हाँ मैं जो संदेह का दाह संस्कार हुआ या नहीं हुआ? नागराज थोड़ा धैर्य रखो, जो तुम्हें है नहीं है? है। वो देखो नैनेश्वर एक पहर से खड़े होकर मुझसे अपनी प्रतीक्षा करवा रही है, पता नहीं विवाह के बाद कौन कौन सी परीक्षा लेगी। किंतु ये इतने तनाव में क्यों लग रहा है? ये तनाव नहीं काबलेपन की नाव है, इसका संयम डोल रहा है और हृदय हमारी बहन का नाम बोल रहा है। गुरुवर की बहन अनंता। कहाँ थी? मैं कब से खड़े हैं तुम्हारे यहाँ राह देख रहा हूँ। हम तो पालकी में थे, इतने जल्दी थक गए? लोग हमें अपना जीवन साथी बनाने के लिए जीवन भर हमारी राह देख सकते हैं। मैं भी पूरे जीवन भर और दिन भर राह देख सकता हूँ, बस रातों को निकाल दो। क्या कहा? नहीं मैं कह रहा था कि मैंने अपनी तीखी तीक्ष्ण दृष्टि से यहाँ खड़े होके तुम्हें चारों दिशाओं में देखा, और एक तुम हो कि मुझे इतनी सी भी नहीं दिखी, इसलिए चिंतित हो रहा था। यदि थोड़ा सा अपने हृदय से देख लेते ना तो क्या पता तुम्हें तुम्हारी बंद पलकों में तुम्हें हमारी पालकी दिख जाती। पलकों का खुला रहना या बंद होना शीघ्र में लेख समान होने वाला है। मैं कह रहा था कि जब तक हम एक दूसरे का चेहरा पहचान सकते हैं तब तक ढेर सारी बातें कर ले। ऐसे भी क्या शीघ्रता है, हमें ना बाजार से थोड़े वस्त्र देखने हैं, उसके बाद हम ढेर सारी बातें करेंगे। गरुड़ हाँ नागराज देखो कितनी प्यारी जोड़ी है, देखो 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 कैसे एक दूसरे में खोए हैं। अरे कहाँ खोए हैं, लगता है आपकी समझ पर आपकी बहन की प्रेम की पट्टी बंधी हुई है, ध्यान से देखो। चलो अब सुनो तो, एक शामी तो मिली है हम दोनों को साथ बिताने के लिए, तो फिर एक शाम में दो काम क्यों? मैं कह रहा हूँ कि वस्त्रों को रहने दो, बातें करते हैं है ना। यदि शाम एक है तो क्या हुआ, हम तो दो है ना, चले। अनंता खोई खोई सी चल रही है और नैनेश्वर विचलित विचलित सा, और जैसे जैसे शाम बढ़ेगी नैनेश्वर के बर्ताव के भाव बदलेंगे, किंतु ऐसा होता क्यों है, शाम होते ही कि विचलित सा क्यों होने लगता है? अरे छोड़ो करो, हमारी समझ की बात कर रही हूँ, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। देखो 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 पीछे चलते हुए कितने प्यारे लग रहे। नागराज हमें पीछे नहीं रहना है, पीछा करना है। है तो बताया क्यों नहीं? अब बताए ना। तो चलो चलो
वस्त्र दिखाइए सुंदर। ये देखिए, ये कैसा है? इससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता। लो हो गया चुनाव, और समय मत लगाओ वरना थोड़ी देर में मुझे हर रंग काला ही नजर आएगा। रुकिए, हम आपको नई साड़ियां भी दिखाते हैं। जी जो दिखाते हैं। ये हमारे नए वस्त्र। ये देखिए, ये कैसा लग रहा है? मस्त है, क्या कमाल है, यही माल तो चाहिए था। मुए, क्या बोल रहा है तू? कुछ शर्म है क्या? नहीं, एक बार तुझ पे बैठ जाऊँ ना तो तेरी चटनी बना दूंगी, खरोच खरोच के उठाना पड़ेगा। वो मेरे बच्चों की माँ और मेरी पत्नी है। क्षमा कीजिए, बाद में करूँगा। पहले ये बताओ कि तुम्हें कौन सी नजर से वो मस्त लगी? मुझे तो आज तक नहीं लगी। अपने घर वालों से जाकर पूछना कि विक्षिप्त हो या दिखाई नहीं देता। महोदय, हम वो भारी भरकम हाथ वाली औरत के बारे में नहीं बोल रहे थे, हम तो वस्त्रों के बारे में बोल रहे थे। फिर ठीक है, करूं। हम इस व्यक्ति को छोड़ेंगे नहीं, इसने हमारे जमाई को थप्पड़ मारा। नागराज, ऐसे कोई किसी को थप्पड़ नहीं मारता, अवश्य उसने थप्पड़ खाने वाला कार्य किया होगा। इसको तो कुछ आता ही नहीं है, बेचारा गाय जैसा है। कितना गाय है पता चलेगा, रुकिए अभी। किससे बातें कर रहे हो? हम तो वहाँ थे। वो कचरे में आके, नहीं नहीं, आंखों में कचरा चला गया था। जीजा जी, आपने मुझे पहचाना तो नहीं ना? और आपको ये तो पता ही नहीं चल पाया ना कि मैं आपका साला हूँ? नहीं रे पगले, कदापि पता नहीं चला। अरे मुझे तो आज तक ये भी पता नहीं चला कि तू ही मेरा साला क्यों है। वैसे एक बात बता, तुझे पता है क्या कि मेरा साला यहाँ क्या करने आया है? कैसे बताओ, मैंने तो दूसरा रूप धारण किया है ना जीजा जी, तो मैं आपको पहचान कर भी पहचान नहीं सकता। अच्छा, हमें ना यहाँ के कोई भी वस्त्र पसंद नहीं आए हैं, हम ना गोल 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 गप्पे खाने चलते हैं। हमें भी गोल गप्पे बहुत पसंद है, लेकिन सिर्फ दिन में। अभी तो हमें सब गोल गोल दिखाई दे रहा है, कैसे खाएंगे गोल गप्पे? नहीं नहीं, घूमने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो यही है बाजू में। कौन सा बाजू में, दाएं बाजू में या बाएं बाजू में? चलो हमारे साथ चलो। अच्छा मैं चलता हूँ जीजा जी, अनंता ने बुलाया था उसकी सहायता करने के लिए। हाँ, जा 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 जा। करुण, हाँ, ये पंडित रामकृष्ण का साला यहाँ क्यों आया है, प्रयोजन क्या है इसका? नागराज, इसका कभी कोई प्रयोजन नहीं होता, ये तो कुछ भी करता है, पुरवर की बहन की सहायता के लिए आया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता नागराज, ऐसा ही है। अच्छा पुरवर की बहन से पूछूं क्या? नहीं नहीं, ये नैनेश्वर कहाँ चला गया? ऊपर आकाश में सूरज गायब है और इधर यहाँ नैनेश्वर भी गायब है, कहाँ ढूंढूं? अगर उसका रहस्य सबको पता चल गया तो सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, कहाँ देखूं? अग्रज, ये सूर्यास्त का रहस्य कैसे पता चले? गरुड़, सूर्य बहुत दूर है, वहाँ बहुत आग भी तो है, हमें उसके ढलने का रहस्य जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे मेरे साले का भूत घुस गया क्या आप में? यहाँ गुरुवर की बहन का विवाह सर पर है और आप सूर्य पर जाने की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कल भी सूर्यास्त के समय ज्ञानेश्वर का बर्ताव कुछ अलग सा हो गया था, अजीब सा कुछ तो है, तो देखना चाहिए। चलिए देखते हैं। चलो चलिए।